चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में लोग देखने वाले किस हिसाब से अपना चार्ट पूरा रहने वाला है। ये देखिए लाइव मार्केट चल रहा है यहाँ पे। मैं आपको लाइव मार्केट में आपको समझाने वाला हूँ जैसे एनालिसिस अपने होने वाली है वैसे रेजिस्टेंस और अपने सपोर्ट के पॉइंट। ये देखिए मार्केट रिट्रेस करके नीचे की तरफ जा रहा है। तो चलिए पूरा वीडियो देख लेते हैं यहाँ पे, पूरे एंड तक वीडियो में बने रहिए आप। मैं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पॉइंट ऐसे क्लियर करके बताने वाला हूँ, आपको मार्केट में कल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है। पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है। लाइव मार्केट देखिए यहाँ पे चल रहा है, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखिए, ये लाइव चल रहा है मार्केट। देखिए 17,267.50 अभी मार्केट यहाँ पे कामकाज कर रहा है। देखिए सब दिख रहा होगा आपको, मार्केट ने यहाँ तक लिया मूवमेंट, उसके बाद यहाँ से मार्केट वापस नीचे गया, ब्रेक के मूवमेंट दे रहा है। तो चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पे आज के मार्केट में क्या मूवमेंट लिया था और किस हिसाब से मार्केट आज का गया था, उस हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट को मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था कि मंडे के दिन मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है, क्रेश होने वाला है मार्केट। तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा मूवमेंट आया था मार्केट का, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये देखिए मार्केट इतना नीचे गिरा, 17,300 से लेकर के मार्केट 17,100 तक, यहाँ तक ही देखिए यहाँ तक गिरा है मार्केट 17,100 तक। मैंने आपको बोला था 108 के करीब मार्केट गिरा हुआ है, और भी उसके नीचे गिर सकता है मार्केट। तो देखिए यहाँ पे 200 पॉइंट मार्केट यहाँ पे माइनस खुला हुआ था। ठीक है, अब 200 पॉइंट मार्केट यहाँ पे माइनस खुला, उसके बाद मार्केट की क्या मूवमेंट हुई चलिए आपको मैं बता देता हूँ। देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट की फर्स्ट कैंडल हुई थी यहाँ पे 17,094 के करीब। ठीक है, 17,094 पे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया 17,148 के करीब। ये मार्केट ने हाई लगाया 17,148 के करीब, उसके बाद मार्केट यहाँ वापस नीचे आ गया, लो लगाया 17,083 के करीब पहले कैंडल ने। उसके बाद उस एंड कहाँ पे किया, 17,095 के करीब, मतलब 17,095 में 17,095 पे मार्केट ने क्लोज किया। उसके बाद देखिए मार्केट में कैसा मूवमेंट आया, ये देखिए ये मार्केट यहाँ पे नीचे आया। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मार्केट यहाँ पे जैसा सपोर्ट लिया, ये देखिए ये मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद देखिए 17,070 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। उसके बाद देखिए मार्केट ने कैसे मूवमेंट दिखाया, यहाँ पे मार्केट हल्का सा ऊपर की तरफ गया, उसके बाद मार्केट में वापस मतलब थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद देखिए मार्केट हायर 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 हाई हायर हाई मार्केट यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस का पॉइंट लिया 17,278 के करीब। देखा आपने, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस का पॉइंट लिया 17,278 के करीब, बस्ती के करीब। ठीक है, फिर वापस मार्केट में यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली अपने को, ये देख रहे होगे आप मार्केट में वापस अपने को सेलिंग देखने को मिली, और मार्केट ने वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया 17,150 के करीब। मार्केट ने यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखिए 17,150 के करीब मार्केट ने यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया, और वापस मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा। देखिए हायर हाई बनाने लगा, मार्केट वापस नीचे है, वापस ऊपर की तरफ जाने लगा। अब मार्केट वापस यहाँ तक जाएगा, उसके बाद मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ गिर सकता है। तो जैसे मैंने ये देखिए निफ्टी फ्यूचर अभी सेम वर्क कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए निफ्टी फ्यूचर अभी सेम चल रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा था, उसके बाद देखिए निफ्टी फ्यूचर अभी वापस यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखने वाले ये निफ्टी फ्यूचर के चार्ट में समझते हैं पूरा का पूरा मार्केट किस हिसाब से है, और चलिए हम लोग कल की एनालिसिस ले लेते हैं पूरी की पूरी। उससे पहले आपका मैं अपना पोर्टफोलियो बता देता हूँ कि मेरे देखे पोर्टफोलियो भी मैंने देखिए यहाँ पे इन्फोसिस के शेयर लिए थे 10 क्वांटिटी में। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट दिख रहा है, 6.5% का प्रॉफिट दिख रहा है आपको। ठीक है, आज का प्रॉफिट 114%। ये अभी मार्केट नीचे की तरफ गिरा हुआ था, लेकिन आईटी सेक्टर यहाँ पे टोटली पूरे के पूरे बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए टाटा मोटर के शेयर मैंने 72 की क्वांटिटी पे लिया था, मेरा 415 पे यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था, बट आज के मार्केट 4% के करीब गिरा। देखिए यहाँ पे 4.5% के करीब यहाँ पे मार्केट गिरा हुआ है, इसलिए मेरा यहाँ पे 796 मतलब टोटल यहाँ पे लॉस दिख रहा है। बाकी अगर ये दोनों को कवर करोगे तो 869 मेरा प्रॉफिट है इन्फोसिस में, और टाटा मोटर में मेरा लॉस है 796 में, तो भी देखिए मेरा यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है 73 रुपीज़ का। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट टोटली किस हिसाब से होने वाला है, कल का मार्केट किस हिसाब से होने वाला है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नजर डाल लेते हैं। आपको सबसे पहले अपनी ट्रेड लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ट्रेड लाइन के द्वारा मैं समझा देता हूँ मार्केट किस हिसाब से कामकाज कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है मार्केट, मार्केट अभी देखिए लाइव चल रहा है यहाँ पे 17,262 के करीब। मैं आपको समझा रहा हूँ निफ्टी फ्यूचर के चार्ट में, ये देखिए ये ट्रेड लाइन अपनी हो गई, मार्केट यहीं पे ऊपर नीचे किया हुआ है। देखिए मार्केट ने जैसे ये मूवमेंट लिया, उसके बाद देखिए नीचे आया, फिर वापस मूवमेंट लिया, वापस नीचे की तरफ आया, वापस देखिए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ये ट्रेड लाइन को टच किया वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ये देखिए फिर ऐसे टच किया यहाँ पे भी नीचे, उसके बाद देखिए जैसे टच किया यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसा है कि इस मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो मार्केट इसको टच करके वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो अपने ये मूवमेंट देखते हैं मार्केट में किस हिसाब से है। तो चलिए मैं आपको सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट बता देता हूँ, किस हिसाब से स्ट्रेटेजी रखनी है आपको मार्केट में, सब कुछ क्लियर करके बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लूंगा, एक सपोर्ट की लाइन, जो यहाँ पे सबसे बड़ी सपोर्ट की लाइन आपको मैं क्लियर करके बताने वाला हूँ। ये देखिए मार्केट यहाँ पे काफी बार आया ऊपर से, मार्केट अभी देखिए यहीं से ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है मार्केट।
तो ये होने वाला आपका सबसे बड़ा यहाँ पे सपोर्ट का पॉइंट, क्योंकि मार्केट काफी बार यहाँ पे आया है और अभी ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। ये देखिए दिख रहा है आपको मार्केट, ये देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए यहाँ से मार्केट ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बाकी देखिए रेड कैंडल बना के हो सकेगा तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ भी गिर जाएगा। तो चलिए मैं पहले आपको सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पॉइंट बता देता हूँ, फिर जिस हिसाब से मार्केट रहेगा उसी हिसाब का हिसाब से आपको पोजिशन बनानी है। तो ये देखिए अपना एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए मार्केट ये नीचे है ये नीचे है। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो किस हिसाब से मूवमेंट लेने वाला है वो आपको देखना है। जैसे मार्केट यहाँ पे आ चुका है, अब ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया, जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट ने नीचे का मूवमेंट लिया। अब मार्केट यहाँ पे पोजिशन पे खड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है और यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ सकता है, तो अपने मार्केट में ये चीज़ देखने वाले हैं। तो चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पॉइंट देख लेते हैं टोटली। तो चलिए ये पैटर्न में, इस पैटर्न में अपने को किस हिसाब से काम करना है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका सपोर्ट का पॉइंट होने वाला है ये, जहाँ पे मार्केट अभी सपोर्ट काफी बार ले चुका है। ये देखिए ये मार्केट यहाँ पे आया ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे आया ऊपर की तरफ गया, और ये देखिए यहाँ पे आया था ऊपर की तरफ गया था, अब मार्केट यहाँ तक आ रहा है अभी। उसके बाद यहाँ से कैसा मूवमेंट लेता है वो देखने वाले हम लोग, ठीक है। तो अपना सबसे पहला सपोर्ट का पॉइंट होने वाला है 17,236 के करीब। अब इसके नीचे कौन सा सपोर्ट का पॉइंट होने वाला है वो देख लेते हैं। यहाँ पे इसके नीचे होने वाला सपोर्ट का पॉइंट अपना ये, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है दो तीन बार। ये देखिए एक और सपोर्ट का पॉइंट होने वाला अपना ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने कैसा सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ से भी ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया हुआ है मार्केट ने, और ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है, और ये देखिए यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है। ये देखिए एक और पॉइंट यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये देखा आपने। तो अपना दूसरा सपोर्ट का पॉइंट होने वाला है 17,211 के करीब। उसके बाद देख लेते और नीचे कहाँ तक मार्केट जा सकता है, तो यहाँ पे देखोगे तो एक और है सपोर्ट का पॉइंट अपना ये, क्यों ये मैंने ड्रॉ किया है, ये देखिए यहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया हुआ है, और यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो एक कल की डेट में सपोर्ट का पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, देखा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था लेकिन ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, तो कल यहाँ पे मार्केट वापस सपोर्ट ले सकता है अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट को टच करता है तो, ठीक है, ऊपर जा सकता है मार्केट। तो यहाँ देखिए एक और इसके नीचे का सपोर्ट का पॉइंट होने वाला है अपना मार्केट का ये, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आया था और मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया था। देखिए यहाँ पे मार्केट है और मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, वापस मार्केट यहाँ तक आया। इसके बाद का नीचे का देख लेते हैं एक सपोर्ट का पॉइंट कौन सा होने वाला है। इसके नीचे का एक सपोर्ट का पॉइंट अपना होने वाला है ये, यहाँ पे मार्केट देखिए कितना बड़ा मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। ये देखिए यहाँ पे मार्केट है, यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। तो एक और अपना मेजर सपोर्ट होगा यहाँ पे 17,102 के करीब, ठीक है। इसके बाद का अपना एक और सपोर्ट का पॉइंट आपको मैं क्लियर करके बता देता हूँ। यहाँ पे एक और सपोर्ट का पॉइंट होने वाला आपका ये, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए अगर यहाँ तक मार्केट आया तो यहाँ से इस हिसाब से चल जाएगा ऊपर। ये देखिए यहाँ से इस हिसाब से ऊपर चला जाएगा, तो अपना एक और सपोर्ट का पॉइंट हो जाएगा 17,072 के करीब, ठीक है। अब ये हो गया अपने सपोर्ट के पॉइंट, अभी अपने देख लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के पॉइंट अपने क्या क्या होने वाले मार्केट के, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं रेजिस्टेंस के पॉइंट किस हिसाब से होने वाला है। तो देखिए मार्केट 17,263 के करीब था, मार्केट देखिए यहाँ पे 17,263 से ये फ्यूचर चल रहा है आपका यहाँ पे, तभी नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लाइव मार्केट चल रहा है यहाँ पे, मैं आपको लाइव मार्केट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर करके बता देता हूँ। तो आपका सबसे पहले रेजिस्टेंस होने वाला है ये पॉइंट 17,281 के करीब, क्योंकि मार्केट यहीं पर आकर के देखिए ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, तो कल की डेट में आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस बनने वाला है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले रेजिस्टेंस का पॉइंट होने वाला है 17,281 के करीब, ठीक है। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है वो है ये देखिए, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे छोटे मूवमेंट बनाए यहाँ पे, काफी बार मार्केट कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पे। ये देखिए इसके ऊपर का रेजिस्टेंस का पॉइंट होगा ये, यहाँ पे देखिए मार्केट ने कितनी बार, देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, देखिए कितनी बार मार्केट ने, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ गया है मार्केट, तो यहाँ पे भी देखिए ऊपर की तरफ चला गया मार्केट। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक बार दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो ये रेजिस्टेंस अपना ये भी हो जाएगा 17,334 के करीब, ठीक है। अगर मार्केट इससे भी ऊपर जाता है तो कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट इससे भी ऊपर जाएगा तो अपना रेजिस्टेंस ले सकता है यहाँ पे, ये पॉइंट होगा अपने रेजिस्टेंस का, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि मार्केट कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लेकर के यहाँ पे नीचे की तरफ आया है, मतलब सपोर्ट लेकर के यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गया यहाँ पे, और ये देखिए रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे टच करके नीचे की तरफ आया। तो एक और अपना रेजिस्टेंस का
पॉइंट हो जाएगा 17,359 के करीब। और अगर मार्केट इससे भी ऊपर जाता तो कहाँ तक जा सकता है ये देखिए। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो आपका एक और मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है 17,392 करीब, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ से नीचे की तरफ आया है मार्केट, ये देखिए एक बार दो बार, यहाँ देखिए मार्केट तीन बार। तो इसी हिसाब से अपना रेजिस्टेंस के पॉइंट मैंने आपको क्लियर करके बता दिया अगर मार्केट इससे ऊपर की तरफ जाएगा तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।